मिशन शक्ति के तहत आज छात्रा काजल अहिरवार ने प्रतीकात्मक रूप से एक दिन के लिए जालौन जिले के जिलाधिकारी के रूप में जिले की कमान संभाली। जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठने के पश्चात छात्रा काजल अहिरवार ने फरियादियों की समस्याओं को सुनते हुए जिलाधिकारी के पद एवं दायित्वों के निर्वहन को सीखा। अफसर बनी छात्रा ने फरियादियों की शिकायतों को सुना और शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। प्रतीकात्मक रूप से एक दिन की जिलाधिकारी काजल अहिरवार ने कहा कि वह भविष्य में UPSC की तैयारी करके IAS बनना चाहती है। जिलाधिकारी बनी काजल अहिरवार ने अपने मनोविचार साझा करते हुए कहा कि जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इस दौरान छात्रा काजल अहिरवार ने संदेश के माध्यम से बताया कि वह भी बड़े होकर जिलाधिकारी बनना चाहती है। वह अपनी बहनों से अपेक्षा करती है कि वह भी पढ़ लिख कर अच्छे पदों पर आसीन होकर समाज और देश में महिलाओं और बच्चों की सेवा करे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत सांकेतिक तौर पर एक दिन की जिलाधिकारी के रूप में बालिका को जिम्मेदारी सौंपने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि बालिकाओं, महिलाओं और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो। वे हमेशा अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मजबूती के साथ आगे आए, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति दी जा सके, प्रदेश और देश के विकास में उनकी बराबर की भागीदारी हो। इसके लिए सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से शासन द्वारा मिशन शक्ति के विशेष अभियान को चलाया जा रहा है। जी, मेरा नाम काजल अहिरवार है और इस वर्ष ही मैंने रामजीलाल पांडे बालिका इंटर कॉलेज से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रदेश में मेरा 7वां स्थान भी रहा है और मतलब कड़ी मेहनत और परिश्रम से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं बिल्कुल ही इस तरह से लोगों की समस्याओं को हल करना चाहूँगी, अपने तरीके से और अपनी हर किसी की समस्या को हल करना चाहूँगी। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।